नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं गायक करमचंद देहाती। बेहद खुशी की बात है, कल 12 तारीख हमारे स्टूडियो का उद्घाटन था और बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत ही अच्छी आवाज है, जिनका नाम है, क्या नाम है आपका? मंगेश्वरी निरंकारी। देखिए, ऊपर वाले की मर्जी होती है। पहला कदम हमारे स्टूडियो में रखी है, जो कि भगवान के यहाँ से भेजी गई है, मान चलिए। और कल भी आई थी, लखनऊ चल के आई है, और हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्यों आई है, क्या करने आई है, कौन सा गाना गाती है, क्या करो सुनाएंगे आप लोगों को। आइए, हम डायरेक्ट इनसे मुलाकात आपसे करवाएंगे, मंगेश्वरी जी से। और हमारे साथ हैं चंदा भाभी ब्लॉग, जिनके नाम से स्टूडियो है, चंदा भाभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये हमारे मोहित मौर्या जी हैं, जो म्यूजिक बनाएंगे। इनको दिखा दीजिए भाई, चेहरा दिख रहा है ना। और तो हम डायरेक्ट मिलवाते हैं मंगेश्वरी जी से। आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम जी और धन्यकार जी। मुझे यहाँ पर आकर के बहुत ही खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ, और फर्स्ट बार मुझे ये मौका मिला है दीदी के सामने बैठने का, और बहुत ही खुशी हो रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम कल भी आए थे, देखे थे, बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था भी किया हुआ था, इसका उद्घाटन भी स्टूडियो का किया हुआ है। तो और मैं मंगेश्वरी निरंकारी में भजन गाती हूँ, निरंकारी सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस स्टूडियो में जरूर आएंगे और यहाँ से अपने आगे की भविष्य को सुंदर से सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद जी। और हमारा कहना है कि आप निरंकारी भजन कब से गा रही हैं, बोलिए इसे। हम निरंकारी भजन 13 नवंबर को मेरा चैनल बना है जी। 14 नवंबर से मेरा गीत पड़ा है। तो भाई, 13 नवंबर 14 नवंबर से इनका गीत बना है। आप कैसा गीत गाती है, जरा एक दो लाइन सुनाइए, जो आपका गाना, जो भी आपको अच्छा लगे गाइए भाई से, हम माइक लगा दीजिए। वादा तो कई के आइला माई के गर्भवा में, वादा तो कई के आइला माई के गर्भवा में, वादा के गईला भुलाई हंसा तनी वादा के गईला भुलाई हंसा तनी चेत करा। कही के तू अइला हरि करब भजनिया हो, कही के तू अइला हरि करब भजनिया हो, माया ठगनी ली हाली पसाई हंसा तनी। आपने देखा कि भाई बहुत ही अच्छा निरंकारी भजन, बहुत ही सुंदर। ये कौन सा धुन है भाई, कौन सा धुन? अच्छा, ये कह रही हमको नहीं पता है, ये पारंपरिक धुन गारी जिसको बोला जाता है, जब राम राम जी का जब वो होता स्वागत, गारी सखिया गाती है, उस समय की गीत है। तो आप ये गाना कब से गा रही है, जैसे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी, आपको घर वाले कोई नहीं? सारे लोगों का सपोर्ट है, सारे लोगों का सपोर्ट है, जनता का भी सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छे से, बहुत। परिवार में कौन कौन है आपको? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, हम है, और बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे नहीं, देखिए आप लोग इनका सपोर्ट करिए। तो हमारे स्टूडियो में आप कब से गाना गा रही हैं? अभी आज ये फर्स्ट मौका मिला है आपके स्टूडियो में आने का, बहुत खुशी हो रही है। तो आज सिर्फ गाना गाने हैं कि भाभी से मिलने आए हैं? नहीं, हम दोनों काम करने आए हैं। सबसे पहला काम है कि आप लोगों से मिलना, आप लोगों का दर्शन करना, बहुत ही सौभाग्य की बात है। अरे ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है, हम लोग भी इंसान ही है। तो देखिए, नाम क्या बताई थी? मंगेश्वरी जी। नाम का थोड़ा वो है, भूल जाते हैं। मंगेश्वरी जी बहुत अच्छा गाती है, इनकी आवाज का कोई वो नहीं है, और इनका एक एक डेढ़ लाख फॉलोअर है इनके चैनल पर, आप जाइए, व्यूज है। और अब अगले दिन गाएगी, आज यहाँ ट्रैक वर्क देके जाके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। और अब जा रही है भाई आरिफ भाई जी के लिए, उनसे मिलने जा रहे हैं, चंदा भाभी से मिल चुकी हैं, और साथ ही पूरन जी बैठे हैं उधर, और सब लोग बैठे ही हैं। आज से गाने की रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ शुरू है। जिनको भी गाना गाना है, आप इनके चैनल के माध्यम से देखिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा, चाहे वो छोटे सिंगर हो या बड़े सिंगर हो, सबको यहाँ मौका दिया जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 8799091923, आप इस पे फोन कर सकते हैं। स्थान है भरतकुंड नंदीग्राम, एमजीएस स्कूल के बगल, हाईवे रोड सुल्तानपुर,
हाँ, सबका स्वागत है। आप आइए, अच्छे से अच्छे रिकॉर्डिंग करिए, गाना गाइए, एक बार सेवा का अवसर दे, उसके बाद आप लोग अगर पसंद आएगा दोबारा फिर आइए। आइए, तब तक के लिए आप कुछ भी कहना चाहेंगे? नहीं, हम बहुत खुश हैं कि दीदी जी बोलती बहुत अच्छी है और बोलने के साथ साथ संस्कारी बहुत हैं। निरंकारी भजन यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगा और सब यहाँ पर अच्छे भजन और अच्छे गीत गाए जाएंगे। और हमारे मोहित मौर्य जी, आपको क्या कहना है? काफी अच्छा लग रहा है जी। अभी तक हम बहुत लोगों के साथ में काम किए हैं, दिल्ली मुंबई हर जगह घूमते टहरते गए, लेकिन आज पहली बार अयोध्या में इतना अच्छा स्टूडियो में इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है हमें। और इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, नए नए कलाकार यहाँ उभर रहे हैं, काफी खुशी हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो गाना रिकॉर्डिंग यहाँ ट्रैक बनवाएंगे वो बाद में आपको सुनाया जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।